अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे हैदराबादी सब्ज़ी। तो देखिए, हमने एक पैन रख दिया है, इसमें बहुत ज़रा सा तेल डालना है और इसमें एक टीस्पून हम ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरे को हम डार्क गोल्डन कर लेंगे। देखिए, ज़ीरा गोल्डन हो चुका है। अब हम दूसरे मसाले डालेंगे। ये देखिए, हमारे पास स्टार फ्लावर है, ये आधा ही लेना है स्टार फ्लावर, और लौंग है, कबाब चीनी है, खलमी है, हरी इलायची है, और ये बड़ी इलायची के सिर्फ हमें बीज लेना है। तो ये मसाले हम डाल देंगे। और ये हमारे पास एक मीडियम साइज की प्याज है, हमने इसे रफली कट कर लिए, और 5 काजू है वो भी डाल देंगे। और ये प्याज को हम गोल्डन नहीं करेंगे, बस इसे इसका जो पानी होता है उसे हम ड्राई कर लेंगे। प्याज देखिए हल्के से ड्राई हो चुकी है, बस हमें इतना ही करना है। और देखिए, ये 4 सूखी हुई लाल मिर्च है वो भी डाल देंगे। और देखिए, ये 1 टीस्पून धनिया है वो भी डाल देंगे। ये साबुत धनिया डालना है इसमें, आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हैं धनिया का। और ये 1 टीस्पून सफ़ेद तिल है वो भी डाल देंगे। और ये हमारे पास 1 टीस्पून घिसा हुआ खोपरा है वो भी डाल देंगे हम। और ये हमारे पास 2 डंडी पुदीना है और 2 डंडी कड़ी पत्ता है, हम वो भी डाल देंगे। और कड़ी पत्ता इसमें आप ज़रूर डालें, कड़ी पत्ते से ही ये सब्ज़ी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये कसूरी मेथी हमारे पास 1/2 टीस्पून हम वो भी डाल देंगे। ये मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें पालक डाल देंगे। ये देखिए, हमारे पास 1 गड्ढी पालक है, हमने इसे अच्छे से वॉश कर कट कर लिए, हम ये भी डाल देंगे। और ये पालक डाल के हम पालक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पालक और सारे मसाले देखिए अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया हमें 1 मुट्ठी डालना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे और इसे एक जार में डालकर हम इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हमने मसालों को पीस लिए, अब इसे हम एक साइड में रखेंगे और सब्जियों को हम तल लेंगे। देखिए, जिसमें हमने सब्जियां तले थे तो हम उसी पैन में हम ये गोभी को तल लेंगे। देखिए, गोभी हल्के से हमने इसे तल लिए, ये 150 ग्राम गोभी है। और इसमें अब हम शिमला मिर्च डालेंगे, ये 2 मीडियम साइज की देखिए हमारे पास शिमला मिर्च है। देखिए, हमारे पास गिनीस की फली है वो भी डाल देंगे। देखिए, सब्जियाँ अच्छे से हमने इसे तल लिए, इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें ये मटर डालेंगे। ये 1 कटोरी मटर थी, हमने इसे बॉईल कर लिए थे मटर को। अब हम ये सब्जियाँ सारी निकाल लेंगे और गैस बंद कर देंगे। देखिए, हमने अपने हिसाब से तेल ले लिया, इसमें 1 टीस्पून हमने गर्म अदरक लहसुन डाल दिए और इसे हम हल्का सा भून लेंगे अदरक लहसुन को। 1 टीस्पून इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और बहुत ज़रा सी हम हल्दी डालेंगे और इसे हम भून लेंगे। और ये 1 टमाटर है, इसे हमने पीस लिए, वो भी डाल देंगे हम। देखिए, जो हमने मसाले पीस लिए हम वो भी डाल देंगे और इसे हम अच्छा मिक्स कर लेंगे मसालों को। देखिए, हमने सारे मसाले डाल दिए और इसे हम एक दो मिनट हम इसे भून लेंगे। देखिए, हमने ये मसालों को 1-2 मिनट भून लिए, अब हम इसमें हम ये जो सब्जियां थी हमारे पास हम वो डाल देंगे। और ये सब्जियां डालने के बाद हम इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, जार में कुछ मसाले बच गए थे तो हमने इसमें पानी डालकर ये मसालों को भी हम डाल देंगे।
और देखिए अभी सब्ज़ियाँ पूरी तरीके से नहीं गली, तो इसमें हम बहुत ज़रा सा पानी डाल देंगे, आधे गिलास को भी कम पानी डालेंगे हम, और इसे हम ढककर सब्ज़ियाँ गलने तक और इसका तेल सेपरेट होने तक के हम इसे ढककर रख देंगे। इसे हम चेक करेंगे और गैस को हम कम कर देंगे। देखिए इसका तेल अच्छे से सेपरेट हो चुका है और ये बहुत अच्छी तरीके से बन चुका है। सब्ज़ियाँ भी सारी देखिए बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसमें नमक डालेंगे और अमूल की फ्रेश क्रीम डालेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और नमक को हम मिक्स कर लेंगे और ये हम अमूल की फ्रेश क्रीम डाल देंगे, एक टीस्पून ही डालेंगे हम। आप चाहे तो घर के दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। और देखिए हमारे पास ये पनीर है, हमने पनीर को देखिए छोटा छोटा कट कर लिए। अब हम वो पनीर भी डाल देंगे और इसे पनीर डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए पनीर भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिए और ये ज़्यादा गाढ़ी होती है, पतली नहीं होती, इसे पतली नहीं करना है। देखिए बस इतना ही इसे गाढ़ा रखना है और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम डिश आउट करेंगे। देखिए हैदराबादी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है और रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ दुआओं में, याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ।